इस शॉप से हमने देखो ये ले लिया, ऑफिस में किसी के भी ऑफिस में लग सकता है। घड़ी पसंद आ रही है हमें, ये वाली घड़ी है। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। What's up guys, good morning, welcome to my new vlog। आज सुबह सुबह मैं रेडी हो गई। मैं तो वैसे भी रोज ही सुबह सुबह रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि हम आज जा रहे हैं नए घर के लिए शॉपिंग करने। यार नया घर तो बना लिया, लेकिन सामान है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। एक दिन हम रह के आए हैं घर पे, तो अब पता चल रहा है कि यहाँ पे अभी ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, तो वो सारी चीज़ें अब लेने जा रहे हैं। और भाई साहब सुबह सुबह आज उठ गए हैं, ये घर का ध्यान रखेंगे, घर की चौकीदारी करेंगे। आज आप घर का ध्यान रखोगे सर, ठीक है जी? और कुछ? बस 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 घर का ध्यान रखना। ठीक है मैडम, हो जाएगा काम। और बताइए और क्या करूँ? बस मेरे 2-3 पार्सल आने हैं, वो प्लीज ले लेना। ठीक है मैडम, सारे वापस भेज दूंगा। सब पेड है, आपको पैसे नहीं देने, पेड है सब। सब वापस भेज दूंगा, आप टेंशन मत लो। और क्या करना है और बताइए? बस खाना वाना भी बना लेना। ऊपर पानी की टंकी में सफाई करनी है, हो जाएगी। बाथरूम की सफाई करनी है, हो जाएगी। कितनी बार करी है वैसे? आज तक नहीं हुई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आगे नहीं होगी, अब हो जाएगी। ठीक है, आज करके दिखा देना, सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। ओके, सब हो जाएगा। ओके, तो पहुंच गए हम क्रोल बाग। 1.5 घंटा ट्रैफिक में फंसने के बाद, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, लेकिन इतना तो हमें नॉर्मल लगता है, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक होता ही बहुत है। तो एक्चुअली आज हम अपनी बेसमेंट में जो हमारा कॉर्नर है ना, वो खाली है, तो उसके लिए कुछ डेकोरेशन पीसेस वगैरह देखने आए हैं। और मलन साहब मेरी वेट करते हुए अंदर घुस गए, कह रहे तेरा तो रोज का ही काम है। विभा हमारी वेट कर रही थी, और हेलो, बहुत वेट करवाई हमने। कोई बात नहीं। के तो हम पहुंचे हैं इस वाली शॉप पे, और हमें यहाँ पे क्या पसंद आ रहा, ये बुद्धा जो हमारी वहाँ बेसमेंट में लगना है। लेकिन अभी थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, फिर देखते हैं। इस शॉप से हमने देखो ये ले लिया, ऑफिस में किसी के भी ऑफिस में लग सकता है। और एक घड़ी पसंद आ रही है हमें, ये वाली घड़ी है। ये है, मेरे को मत दिखाओ बिल। बैंक साथ लेके चलते हैं हम। और मलन साहब को ये बुद्धा पसंद आ रहा है, और मुझे ये। लेकिन इनका मानना पड़ेगा, इसलिए हमने ये वाला फाइनल कर दिया। चलो भाई, अब मैंने चाय बोली है। हाँ, अब मैं चाय पीने लगा हूँ, इसलिए मैंने रेट भी लसनी भैया से करवाए। अच्छा, चाय का इंक्लूड करा रहे हो? पर आना, नेक्स्ट वीक आपको लंच भी कराएंगे। आते ही रहना है। लंच भी कराएंगे आप। अभी तो हमने थोड़ा सा ही सामान लिया, और कह रहे हैं मैं बैठा हूँ यहाँ चाय पी रहा हूँ। मलन साहब वहाँ पे चाय पी रहे हैं, और मैं यहाँ पे एक, मैंने कहा ईवल आई भी ले लें घर के लिए। मैंने देखो कितनी शॉपिंग कर ली, ये भी ले लिया, उधर से वो प्लांटर भी ले लिए, और ये अब आए हैं चाय पी के। तो अभी जो हमने सामान लिया था वो भैया ने पैक कर दिया, और भैया ने मेरे को पहचाना है। आप यूट्यूब चैनल पे मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। अरे वाह वाह, क्या बात। थैंक यू, थैंक यू। बस चेक करते रहना कि ठीक है। लड़कों का बहुत बड़ा फैन है, मतलब बहुत ही पागल हो गए, मतलब काय मैं आऊं। पहले दिखा दो ना, यहाँ पे हमने सारे घर के लिए सोप डिस्पेंसर ले लिए, लेकिन मलन साहब बेचारे कह रहे हैं मेरी जेब भी हल्की हो गई है, मैं थक भी गया हूँ। शक्ल देखो, मेरी जेब नहीं हल्की होगी, मेरी तबीयत हल्की होगी। ये नीचे है ना बेसमेंट में, तो मेरे को ऐसा लगता है ऑक्सीजन कम आ रही है। ये तो कौन सी नई बात है, जब भी कहीं आओ तो मलन साहब ऐसी कहते हैं मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैम आपके बाथरूम का कोई डस्टबिन भी नहीं है? एक और खर्चा बता रही है मैम, देखो डस्टबिन भी लो जी, डस्टबिन नहीं छोड़ना हमने, डस्टबिन भी लेना है, जरूरी है। दो थैले मलन साहब ने पकड़े हैं, विभा ने पकड़े हैं, और दो थैले वो ब्लू वाले जा रहे हैं, और मैंने भी पकड़ा हुआ है। और पूरी गाड़ी हमने भर दी शॉपिंग कर करके, मलन साहब बहुत थक चुके हैं, कह रहे बस कर जाए यार, पूरी गाड़ी भर गई हमारी। इतनी शॉपिंग करी, लेकिन हमने खाया कुछ नहीं। तो अब हम क्या खा रहे हैं, देखो शकरकंदी। भैया थोड़ा मिर्च मसाले डाल के बनाना, आप भी खाओगे ना शकरकंदी? ये तो वैसे इंटरेस्टेड ही नहीं होते किसी चीज़ में। कैब मिल नहीं रही थी, तो हमने ऑटो ले लिया, और आज ऑटो की सवारी कर रहे हैं, और साथ में शकरकंदी भी खा रहे हैं। खाओ
ਨਾ ਜੀ ਬਸ ਖਾ ਲਓ ਸਰ ਖਾ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕੰਦੀ ਸੰਘਾੜੇ ਚਾਈ ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਵੱਜਾ ਮਾਰੇ ओके तो फाइनली पहुंच गए हम और बहुत इमरजेंसी हो रही है मेरे को जल्दी भाग रही हूँ मैं मलन साहब अभी ऑटो वाले से बातें कर रहे हैं तो जितना सारा सामान हमने लिया था वो तो हमारी इंटीरियर डिज़ाइनर उनकी गाड़ी भर के भेज दिया हमने और ये देखो इतने दिनों बाद मेरा बैग भी आ गया और चाबी भी आ गई आज कितने दिनों बाद अलमारी खुलेगी मेरी शुक्र है आते ही आ गई मैं अपनी ड्यूटी पे मलन साहब का हुक्म चाय तो बनाते हैं चाय और फिर खाना वाना बनाएंगे हेलो गाइस गुड आफ्टरनून भूखा हूँ तो मम्मी खाना खिला रही हैं वो कहाँ गया खिला रही हैं कि खा रही हैं मैं तो खुद खा रही हूँ मैंने तो खा लिया ना ऑलरेडी बन के ऊपर ना बटर लगा के बहुत अच्छा लगता है सही में क्या मम्मी एक बार ट्राई करके दे अभी भूख नहीं है अभी अच्छा लाओ दो अभी यार तो भूखा हूँ बहुत अच्छा लगता है बहुत बढ़िया है लो आप खा लो मैं तो खा ही रही हूँ वेरी यम्मी नहीं नहीं सच में बहुत अच्छा है तूने क्या खाया ये बता मैंने ओट्स खाए हैं ओट्स कैसे लगे वेरी टेस्टी आई एम डाइट कॉन्शियस आजकल यू नो सही बात है लगा खिलाना सर अब सच में अच्छा लगा One hour later. हम शॉपिंग करके आए नो तूने पूछा नहीं क्या शॉपिंग करके आए हो और तूने बड़े अच्छे से घर का ध्यान रखा उसके लिए शुक्रिया 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 क्या शॉपिंग करके आए हो घर के लिए सारा कुछ सामान बहुत सारा oh, wow. बाथरूम की एसेसरीज मेन जो ज्यादा जरूरत है बाथरूम से याद आया अभी जब मैं रुक के आया हूँ घर पे तो मैं रुका हूँ घर पे वॉशरूम गया अपने सेकंड फ्लोर पे मस्त एकदम हल्का होके आया फिर उसके बाद देखा अरे आपका हैंड वॉश ही नहीं है फिर उसके बाद नीचे वाले फ्लोर पे आया फर्स्ट फ्लोर पे देखा यहाँ भी नहीं है फिर उसके बाद नीचे आया मैं कहा भाई कहाँ जाऊँ किचन में देख रहा हूँ इधर उधर देख रहा हूँ कहीं नहीं फिर लास्ट में जाके वो जो वो हिडन वाला बाथरूम सा नहीं बना रखा उसमें उसको खोला तो सामने दिखा हैंड वॉश मैं कहा भाई बच गया भाई नहीं हमारे वाले बाथरूम में भी पेपर सोप पड़ा हुआ आपने अपना रूम लॉक किया हुआ है अच्छा उसमें सामान पड़ा हुआ है ना तो वो आपका रूम लॉक था तूने खोला ही नहीं वो मैं वो तो सबसे पहले जब मैं घर गया था जाते ही सबसे पहले मैंने आपका रूम खोला तो वो लॉक था तो मुझे अच्छा चल एक बात बता तूने डिसाइड कर लिया सेकंड फ्लोर लेना है सीरियसली मैं तो बड़ा मम्मी तो वहाँ पे पूरा सेटअप करके आ चुकी थी वही तो मैं कह रही हूँ मैं तो बड़ा सजा सजो के आई कि ये नोनू का कमरा है ये अबू का कमरा है मैं अपनी तरफ से मतलब वहाँ पे आपने वो सॉफ्ट टॉय पांडा वाले अब्बू के लगा दिए थे सेकंड फ्लोर पे तेरे मैंने और मेरे वाले हाँ मेरा पिलो रख दिया था मैंने चेंज कर दिया सब उसका उसका सामान फर्स्ट फ्लोर पे डाल दिया और अपना सेकंड पे मैं बताता हूँ देखो फिर मैंने ना ऐसा बहुत ध्यान से सोचा अभी अभिषेक इस कमरे में रहता है ना ये कमरा कंपैरेटिवली ऊपर वाले कमरे से तो काफी बड़ा है और मेरे को छोटे कमरे की आदत पड़ी हुई है तो वो बड़े वाले कमरा जो है ना फर्स्ट फ्लोर का उसमें एक वो वाली यू नो कम्फर्ट फील नहीं आ रही थी समझ रहे हो तो आदतें तो बदली जा सकती है ना अरे बट अब अपने को वो ऐसा कॉम्पैक्ट स्पेस की छोटी स्पेस की आदत पड़ी हुई है ना वो एकदम से ऐसे बड़े कमरे में आके ना बड़ा वो फील होने लग जाता क्या अभी तू सिंगल है कल को मिंगल भी होगा अरे तो भी कोई छोटी जगह तो भी कोई छोटी जगह थोड़ी ना है वो तो हमने तो उसी हिसाब से बड़ा वाला तेरे को दिया था बड़ा रूम ऑलरेडी मिल गया है मेरे को सेकंड फ्लोर वाला उससे बड़ा नहीं चाहिए नहीं रूम तो देखो दोनों ही बड़े हैं दोनों ही बड़े हैं मेरे को ये था कि तू गेमिंग करता है वो तो बाहर से वीडियो बनाता है ना तो इसलिए नहीं बट मैंने इसीलिए सोचा मैंने कहा मेरी तो गेमिंग छोटे रूम में भी हो ही रही है वहां पे भी हो जाएगी उल्टा उसको काम आएगा वो मिस्ट्री बॉक्सेस अनबॉक्स करने के लिए वो बड़ा रूम उसको यू नो हेल्प कर देगा उसमें एंड दूसरी चीज फिर मैंने सोचा देखो अल्टीमेटली जब हमने घर बनाना स्टार्ट किया था तब तो यही डिसाइडेड था कि फर्स्ट फ्लोर अब्बू लेगा है ना और मैं मेरा सेकंड फ्लोर डिसाइडेड था
और अभिषेक ने फर्स्ट फ्लोर बनवाया भी अपने हिसाब से ही था। फिर मैंने कहा कि वो तो बस हम ऐसे ही मजाक मजाक में मैंने बोल दिया था कि मैं फर्स्ट फ्लोर लूंगा, फिर सच में हम ऐसा सोचने लग गए। बट फिर मैंने सोचा भाई ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा सोचने लगते हो ना तो ज्यादा सोच सोच में जो सोचानियत है ना वो इतना सोचने लग जाती है कि तुम सोच ही नहीं पाते कि तुम सोच कह रहे थे, और अल्टीमेटली तुम्हें समझ ही नहीं आता कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसने तो कभी कहा ही नहीं कि मैंने फर्स्ट लेना या मैंने सेकंड लेना। हाँ। उसने कहा कि तू पहले प्रेफरेंस। वैसे बोला तो मैंने भी उसको यही, मैंने कहा तू बता तेरी क्या प्रेफरेंस। फिर उसने बोला फर्स्ट, मैंने कहा भाई अब यही है तेरा फर्स्ट ही है। और दूसरी एक और मेन जो चीज मेरे को लगी ना, मेरे को जब मैं अभी रिकॉर्ड करके आया ना तो मेरे को ऐसा लगा सेकंड फ्लोर वाले गेमिंग रूम में वीडियो अभी तो उसमें लाइट नहीं जल रही है, जब उसमें लाइट जलेगी ना नियॉन कलर की तो और ज्यादा कलर आएंगे, इसीलिए सेकंड फ्लोर अब फाइनल है। फाइनल क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा सी यहाँ कंबल पड़िया सी दिखदा नहीं सी, वो मैंने कंबल दे दो ठंड लगदी सी, वरना अभी तो तू आया है बस आते फिर खाया पिया और फिर सो गए। चलो मत दो कोई नहीं। फिर से सोना है क्या? यस। ये देखो क्या देख रहा है, देखते देखते नींद आ गई। तो तू तो कंबल मांग रहा था, ये बोलना कि कंबल दे दो, कंबल दे दो सी, नींद अंधी सी। अभी आया है, खाना खाया है और फिर खाए पिए और खिसके वाली बात है। आज कह रहा है कि बस खिसकना नहीं, आज सोना है। मेरी आज छुट्टी का दिन है, मैंने कल 8 घंटे स्ट्रीम करी है, मेरा हो गया है। सो जाओ, गुड नाइट। शिक चेचना साथ चलन।